हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कंटिन्यू करें पैराडाइज लॉस्ट बुक वन। और हमने 191 लाइंस कर ली, 192 लाइन से हम शुरुआत कर रहे हैं। दस सेटन टॉकिंग टू हिज नियरेस्ट मेट। तो सेटन जो है अपने जो क्लोज एलाई है उसके साथ बात कर रहा है, यानी बिलजीबब के साथ बात कर रहा है, जो कि सेकेंड इन कमांड है सेटन के बाद। विद हेड अपलिफ्ट अबव द वेव, और उसकी जो पोजिशन है वो प्रोन पोजिशन है, का मतलब ये है कि उसकी जो छाती, अभी वो तैर रहा है फायरी लेक में तैर रहा है, उसकी जो छाती है वो नीचे की तरफ है, तो वो जो स्विमिंग वाली पोजीशन होती है, और उसका जो हेड है वो थोड़ा सा ऊपर है वेव से। हिज हेड अपलिफ्ट अबव द वेव एंड आइज दैट स्पार्कलिंग ब्लेस्ड, और उसकी जो आंखें बड़ी चमकदार आंखें, बड़ी फायरी आंखें, बर्निंग लाइक अ फायर आंखें उसकी। गुस्से से हो सकता है, अब वो डेविल बन गया इस वजह से हो सकता है, या जो फायर वो जो आगे जल रही है उसी का हो सकता है कि रिफ्लेक्शन हो। हिज अदर पार्ट्स बिसाइड्स प्रोन ऑन द फ्लड, और उसके जो अदर पार्ट्स थे माने उसके लिम्स, जैसे उसके हाथ हो गए या उसका पेट हो गया या उसके पैर हो गए, वो सब के सब अंदर थे फायर के। एक्सटेंडेड लॉन्ग एंड लार्ज, लेकिन ये काफ़ी लंबे थे, लॉन्ग भी थे लार्ज भी थे। ले फ्लोटिंग मैनी अ रूड, रूड का मतलब होता है 1/4 ऑफ एन एकड़, एक एकड़ का एक चौथाई। तो वो वहाँ पे, यानी उसका जो साइज़ था वो बहुत ही लंबा, मैनी मैनी एक रूड है का मतलब ये है कि उसका साइज तो बहुत ही ह्यूज साइज था। इन बल्क एज ह्यूज एज होम द फेबल्स नेम ऑफ मॉन्स्ट्रस साइज। और अगर हम फेबल्स पढ़ें, यानी कि पुरानी जो लेजेंडरी जो स्टोरीज होती हैं उनमें जो मॉन्स्टर्स होते हैं, उनमें जो दानव होते हैं, जो जायंट्स होते हैं, उस साइज़ का था। सो अगेन कंपेरिजन किया गया मॉन्स्टर के साथ सेटन का, तो नेगेटिव कैरेक्टर के साथ ही सेटन का कंपेरिजन किया गया। टाइटेनियंस और अर्थ बॉर्न दैट वॉर्ड ऑन जोव। ना ग्रीक माइथोलॉजी में टाइटन्स जो हैं वो ओल्ड सेट ऑफ गॉड्स हैं, और जो नए सेट ऑफ गॉड्स हैं उनका जो लीडर है जोव है। ये हाइपेरियन की स्टोरी है, कीट्स की, जो कि हम इसी के पैरेलल कर रहे हैं। कुछ वीडियोस बनाए हैं मैंने, आप लाइन टू लाइन बना रखे हैं, अगर आपको देखना हो तो उसको देखिएगा। उसमें टाइटन्स हारे थे और जोव ओलंपियंस, जिनका कि लीडर जोव था या जुपिटर था, वो जीते थे। उसी तरीके से जिस तरीके से सेटन जो है वो अब वो हारा है, जोव से ही हारा है। सो टाइटन्स जो हैं वो ह्यूज हैं, उनका जो बल्क है वो बहुत ह्यूज है, वो बहुत लंबे हैं, और अर्थबॉर्न उनकी मदद कर रहे हैं। अर्थबॉर्न यानी जायंट्स जो हैं वो भी मदद कर रहे हैं उनकी। सो यहाँ पे सेटन को कंपेयर किया गया टाइटन से जो कि लूज़र हैं, अर्थबॉर्न यानी जायंट से जो कि लूज़र है, लेकिन उनका साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा है। ब्रायरियोस और टाइफन होम द डेन बाई एंशियंट टार्सस हेल्ड। तो टाइफन या ब्रायरियोस जो है वो भी जायंट्स हैं, और वो रहता है, टाइफन जो है वो रहता है एंशियंट टार्सस, एक जगह है जो कि आज प्रेजेंट डे टर्की में है, वहाँ पे वो डेन में रहता है, यानी वो भी एक बीस्ट है, वो भी एक दानव है। सो यहाँ अगेन जो कंपैरिजन है वो दानव के साथ कंपैरिजन है, वो लूजर के साथ कंपैरिजन है, एट द सेम टाइम उसका बल्कि साइज भी दिखाया गया है। पैराडाइज लॉस्ट जो है वो एक एपिक है, तो एपिक सिमिल एपिक की एक क्वालिटी होती है कि उसमें सिमिलीज भी जो होती हैं वो एपिक सिमिलीज भी होती हैं। तो अब हमारे पास पहली एपिक सिमिली आई है, जिसमें कि जो साइज ऑफ सेटन जो है, बल्कि साइज ऑफ सेटन जो है, ह्यूज साइज ऑफ सेटन, उसको कंपेयर किया गया है विद द सी बीस्ट लवाइथन। लवाइथन एक सी बीस्ट है, मच लाइक वेल की तरह है, जिसको कि बाइबल में भी मेंशन किया गया है। और दैट सी बीस्ट लवाइथन विच गॉड ऑफ ऑल हिज वर्क्स क्रिएटेड ह्यूजेस्ट दैट स्विम द ओशन स्ट्रीम। ओशन में स्विम करने वाला लवाइथन जो है उसको गॉड ने सबसे बड़ा क्रीचर बनाया, और सेटन भी ऑब्वियसली उतना ही बड़ा है। हिम हैप्पली स्लम्बरिंग ऑन द नॉर्वे फोम। हैप्पली का मतलब होता है बाई चांस, स्लम्बरिंग मतलब सोना, ऑन द नॉर्वे, नॉर्वे की जो सी है जो कि बहुत फोमी, बहुत झाग वाली सी है, वहाँ पे सो रहा है लवाइथन। और बाई चांस द पायलट ऑफ सम स्मॉल नाइट फाउंडर्ड स्किफ। स्किफ का मतलब होता है एक लाइट छोटी सी बोट, जिसको कि हाथ से रो करते हैं। फाउंडर्ड का मतलब भटक जाना, अपना रास्ता भटक गई, तो नाइट का टाइम है, छोटी बोट जो है वो अपना रास्ता भटक गई होगी, पायलट, तो उसने क्या किया सेफ्टी के लिए, उसने देखा कि ये, उसको ये तो नहीं लगा कि ये एक जायंट है,
सी मॉन्स्टर है लेवाइथन है, उसको लगा कि ये आइलैंड है, पायलट को ये लगा और उसने उसमें जाके अपना बोट को एंकर कर दिया। डीमिंग सम आइलैंड, ये देखा कि एक आइलैंड, ये सोचा कि ये एक आइलैंड है ऑफ एस सीमेन टेल्स। ऑफन कई बार सी में जाने वाले जो पायलट हैं वो इस स्टोरी को सुनाते हैं। विद फिक्स्ड एंकर इन ए स्केली राइंड, स्केली का मतलब होता है जैसे फिश जो होती है उसकी जो आउटर बॉडी होती है वो स्केली होती है, उस स्केली बॉडी पे उसने अपना एंकर लगा दिया पायलट ने। मूर्स बाय हिज साइड अंडर द ली, मूर्स का मतलब होता है एंकर लगाना, बाय हिज साइड अंडर अंडर द ली, अंडर द ली का मतलब हुआ कि एक ऐसी साइड जिसमें हवा ना आती हो, उस साइड में प्रोटेक्शन के लिए, हवा से प्रोटेक्शन के लिए उसने उस साइड में अपना एंकर लगा दिया। वाइल नाइट इन्वेस्ट्स द सी, इन्वेस्ट का मतलब होता है कवर करना, नाइट ने कवर कर रखी है सी, एंड विशेस मॉर्निंग डिलेस, और चाह रही है नाइट चाह रही है कि मॉर्निंग जितनी ज़्यादा डिले हो सके उतनी डिले हो। तो ये एक एपिक कंपैरिजन है जिसमें कि जो बल्कि साइज है सेटन का उसको कंपेयर किया गया एक सी मॉन्स्टर व्हेल से। लेकिन एक और एलिमेंट है इसमें, और एलिमेंट ऑफ डिसेप्शन है, जो पायलट है वो ये सोच रहा है कि ये जो आइलैंड, ये जो दिख रहा है मेरे को वो एक आइलैंड है, असल में वो एक आइलैंड नहीं है, वो है सी मॉन्स्टर लवाइथन। हाँ, जानबूझ के तो सी मॉन्स्टर ने उसको एंटाइस नहीं किया, उसको अपने पास नहीं बुलाया, वो तो सो रहा था सिंपल, लेकिन फिर भी धोखे से ही सही लेकिन सी मॉन्स्टर के पास चला गया पायलट ना। ये बाइबल में द बुक ऑफ जेनेसिस में इसका कंपैरिजन है इस तरीके से कि सेटन जो है वो तो मास्टर ऑफ डिसेप्शन है, उसने ईव को स्नेक बन के इंटाइस किया था टू ईट द फ्रूट ऑफ फॉरबिडन ट्री, और फिर ईव ने एक टुकड़ा एडम को भी दिया था और इस वजह से दोनों के दोनों को पैराडाइज से निकाल दिया था। तो वही पैराडाइज लॉस की जो वो स्टोरी है। सो एलिमेंट ऑफ डिसेप्शन सेटन में भी है, एलिमेंट ऑफ डिसेप्शन यहाँ पे लवाइथन में भी है। हाँ, लवाइथन में जानबूझ के तो नहीं है, कम से कम अभी तक तो इस इंसिडेंट में तो नहीं है, लेकिन डिसेप्शन है। सो ना सिर्फ ह्यूज बल्क बल्कि साइज को कंपेयर किया गया है बल्कि डिसेप्शन भी बताया गया है कि क्लियरली डिसेप्शन भी है यहाँ पर। सो स्ट्रेच्ड आउट ह्यूज इन लेंथ द आर्च फीन्ड ले, आर्च फीन्ड, फीन्ड का मतलब होता है डेविल, डेविल और आज जो चीफ डेविल जो है वो इस तरीके से लेटा हुआ था, इतने ह्यूज बल्क में लेटा हुआ था वो फायरी लेक में, चेन्ड ऑन द बर्निंग लेक, लेक में वो लेटा हुआ था, लेकिन चेन्ड यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन वो एग्जैक्टली चेन्ड नहीं था, उसका मतलब ये हुआ कि वो एक फिक्स जगह में होगा। नॉट एवर देंस हैड रिजन और हीव्ड हिज हेड, बट और ऐसा हो नहीं सकता था कि वो अपना जो हेड है वो इस फायरी लेक के वेव्स के ऊपर उठा ले, लेकिन उसने उठाया क्यों, बट द विल एंड हाई परमिशन ऑफ ऑल रूलिंग हेवन लेफ्ट हिम एट लार्ज टू हिज ओन डार्क डिजाइंस। गॉड कभी भी नहीं चाहता था कि वो उसका अपना सर ऊपर से उठाए, अगर नहीं चाहता तो वो कभी नहीं कर सकता था ऐसा, लेकिन गॉड ने ऐसा कुछ किया नहीं, उसको फ्री रखा कि हेल में वो अपना जो भी उसका डार्क डिजाइन है, जो भी उसके विकेड एक्ट्स हैं, खराब एक्ट्स हैं, ईविल एक्ट्स हैं, वो करता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, दैट विद द रिइटरेटेड क्राइम्स ही माइट हीप ऑन हिमसेल्फ डैमनेशन, कि इसलिए कि वो बार बार अपना, क्योंकि उसका तो इनहेरेंट नेचर जो है, उसका मौलिक नेचर जो है वो क्राइम करने का ही है, तो वो बार बार क्राइम करता रहे, रीइटरेटेड का मतलब बार बार क्राइम करता रहे, ही माइट हीप ऑन हिमसेल्फ डैमनेशन, डैमनेशन का मतलब होता है कंडमनेशन टू इटर्नल पनिशमेंट इन हेल, तो वो हमेशा हेल में ही रहेगा और जलता ही रहेगा हेल में, तो बार बार अगर वो क्राइम करता रहेगा तो कभी भी उसको सेल्वेशन नहीं मिलेगा। वाइल ही सॉट ईविल टू अदर्स एन एनरेज्ड माइट सी हाउ ऑल इज मेलिस सर्व टू ब्रिंग फोर्थ इनफाइनाइट गुडनेस, और उसका तो काम ही है इविल करना अदर्स के लिए, स्पेशली गॉड के अगेंस्ट उसको रिवेंज लेना है, मैनकाइंड के अगेंस्ट उसको हार्म करना है, और वो ईव को और एडम को एंटाइस करेगा और उनको पनिशमेंट के रूप में बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर भी पनिशमेंट के बाद भी एक बड़ा इंसान आएगा, सन ऑफ गॉड आएगा क्राइस्ट, जो कि फिर पेन लेगा, जो कि सफ़र करेगा, और जो मैनकाइंड ने ओरिजिनल सिन किया है वो एप्पल खा के उसको फिर प्रायश्चित करेगा, तो गॉड का गुडनेस ग्रेस और मर्सी फिर वापस आ जाएगी, और इस बात से बहुत गुस्सा होगा सेटन, सेटन का जो ऑब्जेक्टिव है वो मैन को सिड्यूस करना है,
मैन मैन के खिलाफ इविल काम करना है ताकि गॉड को दुख पहुंचे। उसको बदला, असली बदला तो गॉड से लेना है, और वो ले किस पे रहा है, मैन पे बदला ले रहा है। लेकिन फिर भी जो गॉड है, गॉड का इनफाइनाइट गुडनेस है, ना कभी ख़त्म होने वाली गुडनेस है, ग्रेस है। ग्रेस का मतलब होता है फेवर, गॉड का फेवर एंड मर्सी जो है गॉड शो करता रहेगा मैन के लिए। और इस वजह से सेटन को, क्योंकि उसका बदला पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसे गुस्सा आएगा। बट ऑन हिमसेल्फ ट्रिबल कन्फ्यूजन रॉथ एंड वेंजेंस पोर्ड। लेकिन उसके अपने ऊपर जो है वो ट्रिबल का मतलब तीन गुना या टेरिबल जो कन्फ्यूजन होगा वो गॉड उसके ऊपर पोर करेगा। गॉड का रॉथ जो है, गुस्सा उसको झेलना पड़ेगा। एंड वेंजेंस, वेंजेंस का मतलब होता है बदला, पनिशमेंट के साथ बदला लेगा गॉड। तो ये सारा का सारा निचोड़ है जो कि मिल्टन कह रहा है एज फार एज सेटन इज कंसर्न। सेटन का पूरा ऑब्जेक्टिव ही ईवल है और पनिश करना है और बदला लेना है इनफैक्ट। लेकिन गॉड जो है उसको पनिशमेंट देगा, और इटर्नल पनिशमेंट देगा, हमेशा हेल ही में रहेगा। और उसके जो नेफोरियस डिज़ाइन है, जो विकेट डिज़ाइन है, उसके ईवल डिज़ाइन है, वो कभी भी पूरे नहीं होंगे। आज का वीडियो हमने कर लिया, 220 लाइन्स हमने कर लिए बुक वन की। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।